नगर परिषद सुजानपुर में मासिक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जानी थी, लेकिन मासिक बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष और ईओ के बीच नोकझोंक हो गई, जिस कारण नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा बैठक का बहिष्कार किया गया, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा नोकझोंक के कारण बैठक को स्थगित करना पड़ा। वहीं इस नोकझोंक को देखते हुए सभी पार्षद इधर उधर भागते हुए नजर आए। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष रमन भटनागर और ईओ किशोरी लाल ठाकुर ने दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद में कार्य ठप पड़ गए हैं, जिसकी जिम्मेवारी नगर परिषद अध्यक्ष ने कार्यकारी अधिकारी पर लगाई है। वहीं दूसरी तरफ कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि जेई का पद रिक्त होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। वहीं पार्षद मनोज ठाकुर ने बताया कि वर्तमान नगर परिषद के अध्यक्ष के आपसी झगड़ों के कारण विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण आज भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। गौरतलब है कि आज नगर परिषद की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जानी थी। वहीं नगर परिषद का कूड़ा फेंकने के लिए जगह का चयन भी होना था, लोगों के नक्शे पास करने थे, लेकिन नगर परिषद अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी की नोकझोंक के कारण बैठक रद्द करनी पड़ी, जिससे विकास कार्यों पर चर्चा नहीं हो पाई। आज नगर परिषद की जो बैठक स्थगित की गई है, उसका क्या कारण आपके हुए हैं सर? क्या कारण स्थगित की नहीं गई? ईओ जो है गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। जब उनसे कहा गया कि पिछली कार्रवाई जो पड़ी इन्होंने, उससे पिछली कार्रवाई पढ़ो, तो कहा कि मैंने कार्रवाई नहीं पढ़नी। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़नी? बोले मेरी मर्जी है, आपने प्रधाननी करनी की नहीं करनी, आप प्रधाननी छोड़ दो। गाली गलौज पर उतर आए, सभी मेंबर अंदर बैठे थे। इसका सबसे बड़ा कारण है जो हमारा सफाई कर्मचारी था पहले गोल्डी, जिसको ठेका था, उसने कंप्लेंट की ईओ के विरुद्ध कि इन्होंने कुत्ता दिया है इसको, 1,15,000 रुपये लेने थे। जब उन्होंने 15,000 रुपये मांगे गोल्डी से, गोल्डी ने ईओ साहब से, तो उन्होंने इसको भी ठाणे की कंप्लेंट कर दी और इसको भी डराया धमकाया। उसके मेरे पास ये आई है, लेटर आया उसका, उससे मैंने बात की। मेरे सामने जो पार्षद अशोक मेहरा बैठे 6 नंबर के, हमारे सामने ही गोल्डी ने उसको कहा कि मेरा 15,000 रुपया दो, नहीं तो मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा। पर उसने उसका टेंडर जबरदस्ती कैंसिल करवाया और नए ठेकेदार को टेंडर दिया गया। चलो वो तो कानूनी तौर पर ही हुआ है, परंतु जो 15,000 रुपये कैसे लिया है वो गरीब आदमी से, वो टेंडर किस बेस पर लिया गया, हम उससे ये पूछना चाहते थे। और बाकी ये पूरी गुंडागर्दी करता है, ये धमकियां देता है कि मेरे पास हाई कोर्ट के पास वकील है, मेरे रिश्तेदार बड़े बड़े अफसर है, मैं आपके ऊपर ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जबकि हमने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चलाया है। हम कोई भी जो मेंबर है बिल्कुल एक भी पैसे घेरा फिर नहीं करते हैं, परंतु ये कर्मचारी और अधिकारी हैं, इनको पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं और ये जो है हमें डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। सभी काम रोके हैं, हमारे 100 पोल आए हैं यहाँ पर बिजली के, वो आज तक नहीं लगे। हमारे टेंडर जो पुराने वार्ड काम हो चुके हैं वो काम नहीं हो रहे हैं। ये धमकियां देता है और इसका यही रवैया है, इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे, डायरेक्टर साहब से करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से करेंगे, और ये फिर भी बाज नहीं आया तो मैं आमार अनशन पर कमेटी के प्रांगण में बैठ जाऊंगा। सर जो कूड़े की समस्या निरंतर नगर परिषद के सामने भी जो है, अपने जो हमारे केएल ठाकुर साहब है, इसका हाथ है ठेकेदार के ऊपर कि इसको ये कुछ नहीं कहता है, वो बिल्कुल भी सफाई व्यवस्था जो चरमराई हुई है। और फिर सर नगर परिषद में आज अहम निर्णय लेने थे नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा, तो वो निर्णय स्थगित करने पड़े हैं। मीटिंग छोड़कर गया, हम कानूनी कार्रवाई के बारे में सोच रहे हैं, मीटिंग कैसे छोड़कर चला गया। हम चाहते हैं कि सरकार से इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जबकि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार का एजेंडा की 100 दिन में जो है काम करने, तो इस कमेटी का भी 100 दिन का वो जो है परफॉर्मेंस लेके क्या हुआ। हमने जो भी प्रस्ताव डाले हैं, हमारे पास 10 लाख रुपया एक अपना पार्क बनने के लिए आया है, वो भी उसने पैसे खर्च नहीं किए। ये किसी का भी काम नहीं करता है, सिर्फ धमकियां देता है। सर नगर परिषद में आज मुख्य एजेंडे क्या थे? जो हमारा बजट पेश होना था, बाकी जो काम रुके उनके बारे में बात होनी थी, मेंबर बैठे रहे, चला गया, सभी स्टाफ को ले गया अपने। सर आपने आरोप लगाया हुआ है कि नगर परिषद ईओ साहब के द्वारा कार्य रुके हुए हैं, तो क्या कारण है जो सर? काम वालों के काम करते नहीं है, देखते नहीं है, बस कुर्सी में बैठना अपना काम का, कोई काम करते नहीं है। सर वार्ड नंबर, हम तो ये चाहते हैं सरकार से कि हमें ईओ की जरूरत नहीं है, एसडीएम साहब के हवाले की जाए कमेटी, वो देखे इस कार्रवाई को, इसकी ट्रांसफर कहीं और की जाए। सर वार्ड नंबर 2 जो कार्य मेन सड़क में आपका अहम कार्य था वो रुका हुआ है, क्या कारण? काम रुकी है, ये सब इसकी मेहरबानी। सर क्या बोलते हैं, आपने आरोप लगाया हुआ है नगर परिषद के? आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, जो भी लाया मैंने सच्चाई है। सर इसके बारे में और कुछ आप बताना चाहोगे सर? जो पहले भी हमारे पंजाब के सरदी भी हिमाचल में न्यूज लगी थी, उसने इसका मेरे को नोटिस भेजा। ये नोटिस डराने और धमकाने की राजनीति करता है, ये सरकारी कर्मचारी कम है और ये नेता ज्यादा बनता है। सर इसके अमल में क्या कार्रवाई आप नगर परिषद मुख्यमंत्री से मिलेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार जो हमारे मसीह है, हम उनसे बात करेंगे, जो दिशा निर्देश देंगे, अगर
वो आपने आप बताएंगे क्या कर रहे सर, हैं। आपके जो आप जो पार्षद बने हुए हैं, तो आपके जो पार्षद हैं जो आपके साथ हैं सर, खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के कि पूरी मतलब। कमेटी साथ में सर, जो नगर परिषद में आज बैठक के दौरान जो हंगामा हुआ है, तो आपको लगता है कि भाजपा इस नगर परिषद को चला पाएगी कि नहीं चला पाएगी सर? ऐसा है कि प्रधान और जो हमारे ईओ साहब है, बात कमेटी का जो स्टाफ है, उसका आपस में तालमेल ना होने के कारण कमेटी में लोग जो हैं वो शहर के लोग जो हैं गरीब जनता वो पिस रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज प्रधान जी ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट या एक दो पार्षद जो मीटिंग छोड़ के चले गए, तो मेरे को ऐसा लगता है प्रधान जी से बात की जाएगी और शीघ्र ही वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है वो पहले नो कॉन्फिडेंस लिया जाएगा और समय आने पर उसको लोगों के साथ या कमेटी के समक्ष पेश किया जाएगा। सर, बीते दिनों दैनिक समाचार पत्रों में आपके द्वारा दी गई बयानबाजी में ये साफ हो रहा है कि आप शीघ्र ही नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर तामीद होने वाले हैं, तो क्या कारण है सर? आपको क्या क्यों लग रहा है ऐसा सर? ऐसा है कि नगर परिषद के रवैये को और कर्मचारियों के रवैये को देखते हुए और लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरा नगर परिषद में प्रधान पद के लिए जल्दी ही ताजपोशी होने की संभावना बन रही है। सर, जो रुके हुए विकास कार्य हैं नगर परिषद के कारण, वो क्या बोल सकते हैं कि भाजपा की सरकार में कार्य रुक गए हैं? क्या कारण है सर आपके मतलब? ऐसा कुछ नहीं है, इनका आपस में तालमेल ना होने के कारण मैंने पहले भी बोला कि प्रधान और वाइस प्रेसिडेंट और ईएम साहब जो कमेटी का स्टाफ है, इनका आपस में तालमेल ना होने के कारण गरीब जनता जो वो पिस रही है, इस कारण जो है शहर के विकास कार्य रुके हुए हैं। सर, जो नगर परिषद की बैठक आज स्थगित हुई है, उसके बारे में सर आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज बैठक हमने बजट के बारे में रखी थी, नगर परिषद का वार्षिक बजट जो है वो हाउस में पास करना था, उसको हमने प्रेजेंट किया था, परंतु तो अध्यक्ष नगर परिषद ने उस पर चर्चा करने कहा कि इसके ऊपर चर्चा जो हम अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, और उन्होंने कहा कि पिछली बैठक की कार्रवाई पढ़कर सुनाओ। हमने वो पिछली बैठक की कार्रवाई पढ़कर सुना दी, जब वो पढ़ दिए तो उन्होंने कहा इससे पीछे वाले सुनाओ, वो भी सुना दी, जब भी कर दिए तो ऐसे ऐसे वो बोल रहे थे कि पीछे की और सुनाओ जहाँ विकास कार्य, मतलब कुल मिलाकर ये था कि उनका जो मीटिंग के प्रति आज का ये था वो उसमें कोई समस्या निर्माण करनी थी, और इससे पहले भी जब वो कोई काम होता है तो उसमें कोई सहयोग नहीं करते हैं कार्यालय को, उसमें हमेशा कोई ना कोई, आज हमारे नगर परिषद क्षेत्र में कूड़े के समापन की समस्या जो है वो बड़ी एक गंभीर समस्या बनी हुई, जिसमें आज तक प्रधान ने कोई भी रुचि नहीं ली ठीक, और इवन उप प्रधान जो है वो साथ में गई, उन्होंने हरेक जंगल में जाकर जहाँ भी उचित स्थान है उसके लिए हमारे को पूर्ण सहयोग दिया, हम पूरी जगह पर तो अध्यक्ष नगर परिषद एक बार भी इस कार्य के लिए नहीं आए, ना ही वो कोई सहयोग कर रहे हैं दफ्तर में, इससे हमारे विकास कार्य भी, अच्छा दूसरे जो जेई का पद है वो हरीश चला हुआ है, जिसके लिए इन्होंने जबरदस्ती जेई को मेरे से लीव कराया, तो इससे विकास कार्य जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, और नए जेई के लिए कभी भी इन्होंने मांग नहीं की कि नए जेई यहाँ आए। सर, जो आरोप नगर परिषद अध्यक्ष ने आपके ऊपर लगाए हैं कि बैठक में आपके द्वारा बदसलूकी का आरोप आपके ऊपर लगाया, कि ये सही है कि नहीं है सर? बिल्कुल गलत है, मैंने कोई बदसलूकी नहीं की है, ये सिर्फ ये सब इनका अपना मनगढ़ंत है, और मैंने ऐसा कोई भी इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है। जो सर आरोप आप पे लगा हुआ है कि नगर परिषद के कार्य रुकवाने में आपका ही हाथ, नगर परिषद अध्यक्ष बोल रहे हैं, तो उसपे कहाँ तक सच्चाई है सर? ये आप अगर नगर परिषद अध्यक्ष को भी पूछें कि क्या ईओ ने को रिटर्न में ऑर्डर दिए हैं ये या ठेकेदार को, तो आप बताएं इसके संबंध में, इन्होंने पहले पेपर में दिया तो मैंने इनके प्रति वो कार्रवाई की हुई है। सर, क्या लगता है आपको कि नगर परिषद के कर्मियों को, सफाई कर्मियों के मतलब, सफाई ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या बहुत अच्छी इसके? सफाई हो रही है, और जहाँ भी लोगों की शिकायत आती है हम तुरंत आदमी भेजते हैं और कार्य अच्छा, अच्छे रिजल्ट पे पहले से अच्छी सफाई हो रही है, सर ये जो कार्य आज ये जरूर है,
आजकल कूड़े के समापन की समस्या चली हुई है, जिसके कारण शहर में जगह जगह कूड़ा जो है वो एकत्रित हुआ है। तो वो सफाई कर्मचारियों का इसमें कोई कसूर नहीं है, सिर्फ जगह का उचित स्थान ना मिलने के कारण ये कूड़ा जो है वो एक जगह एकत्रित हुआ है। सर क्या लगता है आपको कि नगर परिषद के जगह ढूंढ पाएगी सर, कि कब तक ढूंढने में? देखो ये जगह ढूंढने में एसडीएम होते पूरे जोर शोर से उन्होंने अपना रेवेन्यू स्टाफ लगाया हुआ है, और शीघ्र ही नई जगह का चयन कर लिया जाएगा। थैंक यू।